तो फाइनली आप ग्राउंड के कोल पहुँच गए थे। ग्राउंड तो थोड़ा पिछे ही अपन गड्डी पार्क करनी पेगी, इतों कह रहे हैं 700-800 मीटर तुर के जाना पेगा तो ग्राउंड अपन दिख जूगा। तो उत्थे जाके ही पता लगेगा कि यार टिकट का की बनते कि नहीं बनते, क्योंकि यार ऑनलाइन बुकिंग पहला हो ही नहीं थी साड़ी कुछ कही थी साढ़े की, बाकी तो फिर ही पता चलू। हाँ मस्ती 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 जी ने सारे यार। तो पिछे तुमने देख ही लिया होगा ना, और टी शर्ट्स वगैरह रखी हुई इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स एंड पंजाब किंग्स इलेवन दी है ना। सिक्योरिटी यार बहुत ज़्यादा टाइट हुई है, गड्डी किसी भी एक दो मिनट में तुम कितने खड़ा नहीं सकते यार, तो पार्किंग से लानी पैंती गड्डी। तो बस आप एक मैंबर ने भेजा गड्डी पार्किंग से लाने वास्ते, वो गए हुए हैं यार। तो पिछे आप देख सकते हो चौंक च है ना, सारे ही मतलब अपना इस काउंटर लेके बैठे ने काउंटर से, थोड़ा ला लो तुम टी शर्ट टी शर्ट और जो आवाजे जी करने वाले वो थोड़ा देखने मिल जाएंगे उरे। तो देखते हैं होर कि चल के दिख सकते आप ग्राउंड है ना। बस बने रहो यार तुम वीडियो के बीच यार, क्योंकि इस ग्राउंड से भी मैं फस्ट टाइम ही आ रहा मोहाली वाले, थोड़े लास्ट टाइम आप गए थे 4 साल पहले गए थे। तो आ यार जरा देख रहे हो सामने इधर की भी एंट्री हैगी है, बट ये मीडिया वास्ते पार्किंग वाली एंट्री है। तो क्राउड का तुम देख रहे हो भीड़ का बहुत फुल हुई है जरा इस टाइम, क्योंकि यार मैच स्टार्ट हो चुके हैं है ना। तो बाकी हूँ देखते शायद दूसरे गेट के जाना पेगा अपन, उत्थे चल के देखते हैं कि माहौल है। हाँ की बनया तो लो जी लो पहुँच गए आप धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। तो सामने व्यू चेक करो यार, पीछे कितना सोहना लग रहा है, देखो पीछे लग रहा जिम्मे सीनरी लगी होंगी है ना। तो आगे सामने वो बिल्डिंग आ गई रेड बिल्डिंग जी तुम देख पा रहे होंगे। चला गुरप अगे देखते हैं, तो देखते हैं यार हूँ अगर टिकट्स का की बनता है। वैसे मिल तो रही है टिकट, तो थोड़ी जी कुछ प्लैनिंग जी चल रही है, बस वो प्लैनिंग जी सैट हो जाए फिर चलते हैं आप। खड़ा सामने गुरुबख्श आ गए आ गए बस। सो जी आ गया अपना मेन गेट है ना क्रिकेट स्टेडियम एंट्रेंस, तो उरे टिकट वगैरह भी मिल जाती अगर तुम्हें लैनी है। तो मेन एंट्रेंस इधरों भी हो सकती है, अगर दूजी साइड तो भी हो सकती है एंट्रेंस यदी भाई। एक दुनिया से एक शर्म नाम की भी चीज़ होंगी है, जवाक जवाक नु तेने बोल कर ला रखा तू आप बैटिंग कर रहे हो बैचलर। आप इसको बोलो कि मैं बैटिंग करूंगा, मैं बॉल नहीं करूंगा, बोलो इसको। एक पर ओके, उसके तीन टर्न्स हो गए ना, जब तीन टर्न्स हो गए मेरी टर्न। ये भाग जाएगा बैटिंग लेके। हाँ पर रूल है नंबर 2, रूल्स को किसी का बैट भाग के नहीं लेना। हाँ बैट लेके भागना नहीं है, 1983 का। आओ सर देख ले वो जवाक बॉलिंग करने ला रखे, आप बैटिंग कर। ये आपकी बैटिंग नहीं देगा, ये आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। ये बनाने हैं आपको, चलो ओके। मैं तो फास्ट बोल रहा हूँ, फास्ट चाहिए आपको। रोहिन ट्राई है ना, तो जवाक नू है लेफ्टी हो। Burning in me, all of the noise turned into choirs of harmony. सो लो जी फाइनली आप इस टाइम पालमपुर पहुँचा गए। पालमपुर तो बाद हाले अगर कुछ फाइनल नहीं लगा भी कितने अच्छी लेनी है, तो एक बार रूम लभ लेने। तो फिलहाल अपने की कह रहे गड्डी उसे पार्किंग से लाइए, थोड़ा भी रूम आराम लभ ली है ना। तो ना यार भुख भी लग रही थी, कोई खा पी भी लेने। तो देख लो भाई किवें करना यार प्लान हूँ, चलो आ जाओ चलते हैं जी। फिर देखते हैं यार थके पे बुरा हाल हो गया सर, जाते जो वाटरफॉल गए चल के तुर के इतनी दूर वो करके मेरा बुरा हाल हो गया, मतलब बस हो ही पे लत्त दी यार अज। तो यार जी मैं तुम देख रहे हो कि पालमपुर सिटी का बिल्कुल सेंटर है, उरे तुम मार्केट देख रहे होंगे है ना। तो सड़ा लगे हैगा आई लव रेस टाइम पालमपुर। बिल्कुल यार सेंटर च बनाया है चौंक ना, आसे पास सारी मार्केट बनी हुई है। तो थोड़ा पैदल चलते हैं और देखते हैं यार कुछ रूम्स वगैरह तो लभ लीए भी मिल जाए तो आसे पास वधिया जा है ना। तो टैंपरेचर भी यार टैंपरेचर भी देखा जाए तो और भी यही जी है, टैंपरेचर 27-28 डिग्री के आसपास है। तो इस टाइम वैसे हूँ यार थोड़ी स्नो मिलनी किसी आसे पास जा तो टैंपरेचर मिलना है ना नॉर्मल जा तो बड़ा मुश्किल है हूँ। चलो जी करिए तो रूम दिखा देंगे अपना। ये आ गया अपना रूम, इस सारा आ गया वाशरूम,
बाहर का व्यू दिखाने बड़ा कैंट है। सो इधर भी आ गई अपनी बालकनी, इधर ही देखो यार व्यू चेक करो बड़ा कैंट है यार। ये यार अपना तुम दूसरा रूम इधर वाला ना, दो मैंबर इधर रुके ने अपने नाल दे, व्यू चेक करो बड़ा कैंट लग रहा है। उस साइड अपनी गड्डी पार्क करी हुई है, थले झरने की आवाज आती है सामने यार, देखा अगर टाइम लगे उतर के देख के आवेंगे। चलो बाकी हूं फिर तैयार है ना, फटाफट नहाइए फिर अगर प्लैन तुम दस देंगे की प्लैन है अपना। ऊपर की भी रोड जा रही है होटल की बैक साइड के बिलकुल। मुंडा रीज लागे बन दिया पग, गुड गुड हो जाओ त्यार मारो। सो दूजा रूम भी तुम दिखा दें अपना, इस टाइम अपना बने बने अलमीरा बनी है, तो इस साइड वाशरूम आ गया, तो इस रूम की इधरों बालकनी तुम दिखा दिना सेम है जिटी देखो क्या दूसरा रूम अपना नाल ही आया ना। तो त्यार हो फिर पूरा चलिए फिर चलो किचे कम। सो हाँ जी भाई जी, सत श्रीकाल जी सारे, सो स्वागत है थोड़े सारे का एक होर नवे दिन एक होर नवी वीडियो। हो पाया तुम सारे ठीक होंगे यार, तो स्पैशल गुड मॉर्निंग हो रही है जी अपने हिमाचल चो पालमपुर च। आप स्टे करी हुई सी रात में, तुमने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा, हुई है यार शाम को कुछ यार मतलब वीडियो में प्रोपर तरीके क्लोज नहीं कर पाई, वीडियो एंड नहीं कर पाई क्योंकि यार थकावट ही बहुत हो जाती है यार, मतलब रूम से पहुँचते पहुँचते क्योंकि सारा दिन कहीं इधर लग जाता कहीं उधर घूमते ही रहने है ना। आप तो अज का प्लैन अपना यह है कि आप अब पालमपुर के कुछ जो पैराग्लाइडिंग वाले कुछ स्टेशन बने हुए हैं उत्थे जावे, तो उत्थे अपने नाल दे है मैंबर उन्होंने पैराग्लाइडिंग करनी है, तो मैं चल आप भी देख लेंगे अगर उत्थे जावे तो बनी सैटिंग तो कर लेंगे है ना। फिलहाल का प्लैन यही है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं नीचे चलते हैं आप, तो थोड़ी कोई रूम का तुमने पहला रूम्स देख लिया होने, रूम्स वैसे यार बहुत वधिया ने, तो रात असने डिनर भी उरी करा, डिनर की जी क्वालिटी वह भी बहुत वधिया से रही है ना, तो समान वगैरह भी रखते हैं ना गड्डी, तो बस निकलते सही 10-15 मिनट तक और गैप हो जाएंगे। तो यार तुम आप वाला व्यू तो तुमने देख लिया होगा यार, बड़ा घंट है यार, और चेक करो यार सामने, मतलब यार जिस हिसाब से सोच के आई थी बट उस हिसाब से तो उरे मौसम नहीं मिले क्योंकि सानू ऐ सीगा कि जिहड़ा वैदर है उरे ला लो 12 या 15 डिग्री टैंपरेचर होगा, बट उरे ये पा के पता ही लगे कि उरे मतलब 26-27 डिग्री टैंपरेचर है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। वह भी है कि मतलब तुम ने अगर वधिया मौसम के आना तो मौसम बेस्ट रहेगा थोड़ा, अपना नवंबर दिसंबर वाला मौसम सब तो बेस्ट है यार, नवंबर हो गया दिसंबर हो गया जनवरी हो गया है ना, तो मैंबर अपने हो रहे हैं रेडी, बस करीब रेडी हो जाना फिर आप चलते थाले ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ भी बनेगी मुंडे पैक, चलो 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 फिर खिंचो यार सब कर जो भी अपना समान है ना सारा पहले आप गड्डी रख लेना, उ अपना जो टाइम है बाजूगा 15-20 मिनट जिन्हें भी होने है ना, तो उस तो बाद फिर आप करते हैं ब्रेकफास्ट जो करी, रूम में भी सारा चेक कर लेना भी पिछले कुछ पेंडिंग रह रहे क्योंकि फिर दोबारा मिलने के चांस तो है ही नहीं। चलो समान रखते हैं पहले फटाफट पर डिग्गी चेयर, तो नीचे यार फर्स्ट फ्लोर से इन्हों का बीयर बार बनया है, उसे बड़ा घंट बनया है, तुम दिखाना एक बार अंदर विजिट करते हैं। चेक करो यार बड़ा घंट बनाया अंदर ना, इस साइड तो तुम बालकनी का आनंद भी ले सकते हो, या देखो बाहर भी सीटिंग बनी हुई है, इसके ऊपर ही अपना बिल्कुल रूम ऊपर अपना रूम आ गया, तो बाकी थले भी चल जाएंगे तुम्हें ग्राउंड फ्लोर से इन्हें कंटीन दिखाने भी बड़े घंट बनी हुई है ना, तो उस साइड का थले चल के भी दिखा दें थले कि होगा यार खाई जी बनी है नीचे। सो इसी अपना बीयर बार एरिया नीचे आप चलते थोड़ा दिया दिखाने हम कंटीन एरिया, तो जी आ गया अपना कंटीन मेन एरिया जिते कि अपना होटल का मेन चैक इन चैक आउट होंगे है ना, तो इस साइड तुम देखो भाई ने गमले गमले रखे हुए ग्रीनरी रखी है पूरी वधिया है ना, हर तरीके मैनेज कर रहा है, और शोपीस रखे हुए ने वाले कैंड चेक करो यारियो, ये मेन रिसेप्शन एरिया आ गया इस साइड, तो हूँ आप चलते हैं होटल के बाहर, एक बार तेन ऑल ओवर व्यू दिखा दें सारा होटल का भी किस टाइप का बना है, आज ये आ गई रोड मेन से आ चेक कर।
ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਯਾਰ, ਘੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਉਰੇ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਰਕ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਾਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਟ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਯਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਯਾਰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਯਾਰ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਯਾਰ ਫਰੂਟ ਲੈਂਦੇ ਉਰੇ ਕੇਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਰੌਂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਯਾਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਪਰੌਂਠੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਰੂਟ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿਲੋ ਦਰਜਨ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਕੁਛ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਰੋਡ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਰਵਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਬਾਈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੇਮਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਾਲਮਪੁਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਬਾਗ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੇ। ਅਸਲ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਰੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਰੇ ਫੋਟੋ ਕਲਿਕਸ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਜੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਟਿੰਬਲ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਯਾਰ। ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਉਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਟਰੈਕ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਉਹ, ਕੁੱਡਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਓਏ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹ ਹੀ ਸਿਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ, ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਕਰਤੀ, ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਕਰਕੇ ਖਿਚਾ ਲਓ ਫੋਟੋਆਂ। ਸੋ ਯਾਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਦੂਰੀ ਪਰੌਂਠੇ ਰੱਟ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੌਂਠਾ, ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਹਾਂ ਬਣੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਉਣਾ ਉਨਾ ਕੁ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਡਿਆ ਦਾ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਵ 'ਤੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਜਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਰੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਫਲਾਇੰਗ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਸਤਾ, ਤੇਰਵੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਵੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੰਦੂਰੀ ਪਰੌਂਠੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਯਾਰ, ਕਿਆ
ਵਾਲੇ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਰੌਂਠੇ।